हाय गाइस, वेलकम टू स्वाद का सार कुकिंग चैनल। और आज हम बना रहे हैं पानी पूरी के लिए आलू मसाला। ये आलू मसाला मार्केट से भी बेस्ट बनेगा, क्योंकि इसे हम एक अलग तरीके से बनाएंगे। और आज हम इसमें एक ट्रिक भी यूज़ करने वाले हैं, जिससे यह और भी स्वाद में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले उबले हुए आलू लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 मध्यम आकार के आलू लिए हैं। इसे हमने कुकर पे 3 सीटी बॉईल कर लिया है। 1 सीटी आने के बाद फ्लेम लो करके 2 सीटी और लगाया है। फिर इसे छील लेंगे और ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से मैश करेंगे। ये मैश हो गया है। अब हम इसमें एक प्याज को बारीक काट कर ऐड कर देंगे। आप प्याज नहीं खाते तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। 3-4 हरी मिर्चें भी बारीक काट कर डाल दी है। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम धनिया और पुदीने का पेस्ट डालेंगे। 1-1 बंच धनिया और पुदीना को छोटे वाले मिक्सर जार में डालकर 2 चम्मच पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। इसे डालेंगे 2 बड़े चम्मच और साथ ही में काला नमक 1/2 चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। ये चाट मसाला है, इसे भी 1/2 चम्मच डाल रहे हैं। और नमक बहुत कम डालेंगे, क्योंकि काला नमक भी डाला है और चाट मसाला में भी नमक होता है। तो ये है हमारा आज का ट्रिक, जो हम ले रहे हैं बूंदी। बूंदी हम 3-4 बड़े चम्मच लेंगे और पानी डालकर साइड में 1 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और टेक्सचर भी आता है और लुक भी आता है। तो ये है हमारा आज का स्पेशल ट्रिक कि हम ये बूंदी सोख करके डाल रहे हैं। और ज़्यादा देर भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे सोख किया है और इसी मसाले में मिला देंगे। और थोड़ा सा गार्निश करने के लिए अलग से भी रख लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अब इसे एकदम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, इस तरह से मिलाते जाएंगे। थोड़ी देर में ये सब मिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा मिक्स हो गया है और देखिए इसमें बूंदी का टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। इस रेसिपी को बनाएंगे तो मार्केट वाले गुपचुप भी आप खाना भूल जाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है ये। और आप चाहे तो इसमें 2 चुटकी गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं कभी कभी उसको भी डालती हूँ। तो अब ये रेडी हो गया है, तो हम इसे गार्निश कर लेते हैं टेबल पर ले जाने के लिए। तो इस पर मैंने सोख्ड बूंदी डाल दिया है गार्निश के लिए और थोड़े से भुजिया सेव। तो अब ये पूरी तरह से तैयार है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनता है, इस तरह से आप ज़रूर बना के ट्राई करें और स्वाद का सार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।